So hey guys, welcome back to CS, and in this video we'll talk about the most important books for physics for MHT CD 2023 aspirants and the aspirants who are just thinking to take a drop. So let's start the video. So guys, सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है, मैं सबसे पहला वीडियो फिजिक्स के ऊपर ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है, और जिसमें आपको फॉर्मूला आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, आप इजीली हाई स्कूल कर जाओगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे इंजीनियर्स के स्ट्रीम डिसाइड करता है। अब स्ट्रीम कैसे डिसाइड करेगा, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर्स में है, लॉजिक गेट्स में है, या फिर ईएमआई में है, एसी सर्किट्स में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के स्ट्रीम ले सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, मैग्नेटिज्म में, तो आप जा सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की साइड। और अगर आपका इंटरेस्ट अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशनल डायनामिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में है, ग्रेविटेशन में, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम ले सकते हो। सो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे इंजीनियर्स के स्ट्रीम डिसाइड करता है। सो अगर आपको फिजिक्स से प्यार हो गया ना, तो आप अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। सो अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की, सो एमएचटी सीईटी के लिए सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एक ही है, वो है क्लास 12th के टेक्स्ट बुक। अगर आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से कमांड बन गई, टेक्स्ट बुक के अगर आपको एक एक लाइन, एक एक फॉर्मूला, एक एक एग्जांपल्स याद रह गए ना, आपको एमएचटी सीईटी में 99+% लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो टेक्स्ट बुक्स को आपको एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि जो भी आएगा ना एमएचटी सीईटी में, वो सब टेक्स्ट बुक से ही आएगा। टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई चीज़ पूछेगा नहीं एमएचटी सीईटी, वो एकदम सिमिलर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के। और एकदम अभी का जो अगर सीईटी का पेपर एनालाइज करें ना, तो जो आया था वो मॉडरेट लेवल का आया था, और मॉडरेट के साथ साथ उसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। अगर आप फार्मूलाज भी पढ़ के गए होते ना, आपके 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाते हैं फिजिक्स में। सो फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एक ही है, वो है एमएचटी सीईटी की क्लास 12th की ये टेक्स्ट बुक। सो क्लास 12th के टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से करो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स दिला सकती है। और जैसे ही आपने टेक्स्ट बुक खत्म कर ली, टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से 2-3 बार एकदम अच्छे से रीड कर लिया, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स ले, सो प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी भी एमसीक्यू की बुक उठा लो, उसमें पीवाईक्यूज भी होगे, एमसीक्यूज भी होगे, और कौन सी भी उठा लो, कौन सी पब्लिकेशन की, आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। देखो आपने जो कंसेप्ट पढ़े, आपने जो फॉर्मूला पढ़े, उस फॉर्मूला को आप एप्लीकेशन पार्ट में डाल सकते हो कि नहीं, उस फॉर्मूले को पुट करके आप आंसर्स निकाल पा रहे हो या नहीं, उसमें क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे, उनको एनालाइज करो। और मैं सजेस्ट करूँगा टारगेट पब्लिकेशन की बुक लो, वो बहुत अच्छी आती है, और उसमें हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। सो टॉपिक 1 देंगे, उसके 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे, टॉपिक 2 10-15 क्वेश्चन। सो जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके 10-15 क्वेश्चन लगा के देख लो आपको हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व। सो उससे आपका आइडिया लग जाएगा आप जो पढ़ रहे हो वो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं। सो यही था, दो ही बुक सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है अगर फिजिक्स की बात की जाए, तो सबसे पहली आती है क्लास 12th की टेक्स्ट बुक, और दूसरी आती है पीवाईक्यूज और एमसीक्यू बुक, जो आप कोई भी पब्लिकेशन को उठा लो, और मैं सजेस्ट करूँगा टारगेट को उठाना। गाइस और एक बात है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, और एक टीचर जितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएंगे, आप उतने ही अच्छे से उसको अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस में। और एक बात है कि अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो क्लास 11th में मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिजिक्स मेरा बहुत वीक था, बट जैसे ही क्लास 12th में आया, मुझे एक सर मिले, विनोद सर। सो विनोद सर लास्ट क्लास में, मतलब जब सीईटी का लास्ट टाइम आता था, उस फेज में हमको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाई, फार्मूला बेस सिखाया, फार्मूलाज कैसे रटने हैं वो सिखाया, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उससे हमारा स्कोर बहुत बूस्ट हो गया। सो लास्ट का 2-3 मंथ में मैंने फिजिक्स में इतना ध्यान दे दिया कि मेरे फिजिक्स में आराम से 30+ स्कोर हो गया एमएचटी सीईटी में। सो विनोद सर ने बहुत हमारी मदद की, कि विनोद सर ने जो मुझे कॉन्सेप्ट सिखाया वो ना ही मुझे एमएचटी सीईटी में, पर मुझे वो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत काम आ रहे हैं। वही सब सिमिलर चीज़ें आती है क्लास 11th और 12th की इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी। सो उन्होंने जो भी चीज़ सिखाई वो बहुत अच्छे से सिखाई, अभी भी मेरे दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और वो ऑफलाइन में तो बहुत अच्छा सिखाते ही है, बट वो ऑनलाइन में भी आ चुके हैं, उनकी एक यूट्यूब चैनल है। सो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आए होंगे विनोद सर और उनकी यूट्यूब चैनल। सो उनके यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अब जरूर से जाकर चेकआउट करो। ऑफलाइन में बहुत अच्छा सिखाते हैं, ऑनलाइन में भी वो उसी फेज में सिखा रहे, उसी तरीके से सिखा रहे, बहुत अच्छा सिखा रहे। उनके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं होंगे, बट उनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करके देखो, एक हाथ दो कंसेप्ट सीख कर देखो, आपको एकदम प्यार आ जाएगा फिजिक्स से। तो गाइस और एक बात है कि हम जब भी विनोद सर से बात करते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आप लेक्चर्स देखते हो तो लेक्चर्स के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बना के चलो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स अपने हाथों से आप जितना लिखोगे ना, उतने लंबे समय तक आपको रिटेन होगा। सो लिखने की आदत डालो, और लेक्चर्स देखते देखते खुद से हैंड रिटन नोट्स भी बनाते चलो,
और यही था। आप जब भी उनके लेक्चर देखोगे, आप भी ट्राई करो हैंड रिटन नोट्स बनाने का, उस नोट्स को एक दो बार रिवाइज कर लो, दिन में ही रिवाइज कर लो। जिस दिन आपने वीडियो देखा, वीडियो खत्म हुआ, नोट्स बनाए, और रात को उन नोट्स को एक बार देख लो, एक क्विक रिव्यू देख लो कि आज आपने क्या पढ़ा। सो वो चीज़ आपको एकदम लंबे समय तक रिटेन होगी। और गाइस बात करें MSTCET 2022 के ट्रेंड्स की, तो इस साल सब पेपर में फिजिक्स जो आया था वो मॉडरेट लेवल का ही आया था, और फिजिक्स बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आए थे। अगर आप फॉर्मूले भी अच्छे से करके गए होते तो आपके 25 प्लस मार्क्स एकदम आराम से आ जाते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन तो एकदम फिजिक्स में फॉर्मूला के दम पे आप स्कोर कर ही जाते हैं। और ये जो चैनल है उस पर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी अवेलेबल होगी, आप जरूर से जाकर चेकआउट करो चैनल को, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेगी, और शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत काम आती है। आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा, जब आपने अगर आपने मान लो एग्जाम के पहले एक शॉर्ट देख लिया, उस शॉर्ट में एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपको दिमाग में क्लिक हो गया, दिमाग में याद हो गया, और वही एग्जाम में आया था, आपको इजीली मार्क्स देके जाएगा। तो फॉर्मूलाज को कम मत समझना फिजिक्स में, क्योंकि फॉर्मूलाज मार्क्स देता है फिजिक्स में। तो जैसे ही आपने फॉर्मूलाज भी कर लिए, लेक्चर्स भी देख लिए, और आपको थोड़े बहुत डाउट रहेंगे, सो ये सर अभी लाइव भी आने वाले हैं, लाइव आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। सो लाइव में आप सर से जो भी डाउट्स पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो। सो ये चैनल अभी बहुत हिट होने वाली है फिजिक्स के लिए, सो मैं यही आपको बोलूँगा कि एक बार चैनल जाके विजिट करो, दो तीन लेक्चर्स देखो, और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमको ऑफलाइन में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और आपको अभी ऑनलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, और वही सर लाइव लेक्चर्स लेने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स को मिस मत करना। और प्रैक्टिस के लिए आपको सर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे फिजिक्स में। फिजिक्स में प्रैक्टिस जितना करोगे फॉर्मूलाज उतने ही याद रहेंगे, क्योंकि आपने एक ही फॉर्मूला अगर 10 बार यूज़ कर लिया तो फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। सो प्रैक्टिस के लिए भी सर लाइव सेशन लेने वाले। और बात की, आपने सब कुछ कर लिया, लेक्चर्स देख लिए, शॉर्टकट ट्रिक्स देख ली, लाइव अपने डाउट सॉल्व कर लिए, अब बात रही लास्ट में मॉक टेस्ट देने की, क्योंकि आपने जितना ही प्रिपेयर किया है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, मॉक देख के ही मालूम पड़ेगा। सो सर ने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे गूगल फॉर्म आएगा, वो गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है, और उसमें आपको सब डिटेल्स फिलअप करनी है, और आपको ईमेल पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। सो वहाँ से आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी, सो वही है कि आपको चैप्टर वाइज मॉक भी मिल जाएगी। सो ये फिजिक्स का एक पूरा इनबाउंड कलेक्शन हो गया आपके लिए, आपको लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिल रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रही है, चैप्टर वाइज भी मिल रही है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। और मतलब अगर आपने फिजिक्स में इस चैनल से पढ़ाई की ना, तो आप सच्ची बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। और ट्रायल के बेसिस पे आप 2 से 3 वीडियो देख सकते हो, वीडियोस देखने के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते चलो, और सोते समय एक बार प्लीज़ अपने जो दिन में जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए ना वो एक बार देख लो। बस यही था पूरे फिजिक्स में। और अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो टेक्स्ट बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई भी MCQ PYQ बुक उठा सकते हो। और आपको मैंने एक इनबाउंड कलेक्शन दे दिया है फिजिक्स का, उनसे आप ज़रूर चेकआउट करो वो चैनल को, वहाँ चैनल पे आपको सब कुछ मिलता रहेगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी है सर ने, और सर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और बस चलो यही था आज का वीडियो, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।